ओम शांति। क्या परम धाम में आत्मा अपने रिश्तेदारों को पहचानती है? परम धाम, परम धाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। वहां आत्माएं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप होती। वहां आत्माएं एकदम शांत, उसका नाम है शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, जहां हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा के साथ रहते। परंतु ये वंडरफुल बात है कि वहां पर कोई भी आत्मा परमपिता परमात्मा से भी बात नहीं करती। कोई भी आत्मा परमपिता परमात्मा से भी बात नहीं करती। परमात्मा बैठकर किसी आत्मा को नहीं पढ़ाता, क्योंकि उसका नाम है शांति धाम। उसका नाम है शांति धाम, जहां ये हम आत्माएं रहती हैं। आत्माओं में कोई संकल्प भी नहीं होता, आंखें भी नहीं होती, संकल्प भी नहीं होता, मुख भी नहीं होता, बोलना भी नहीं होता। कोई आत्मा ना परमात्मा को कोई देखता बोलता, ना आपस में किसी से बोलता चाहता। आत्मा डेड साइलेंस में होती है, जिसे परमात्मा कहते स्वीट साइलेंस। वहां कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं, कोई काम भी नहीं। वहां जैसी आत्मा जाती है, वैसे ही परम धाम से बाहर आती। परम धाम से बाहर आने के लिए भी परमात्मा किसी आत्मा को नहीं कहते, चल अब तेरी बारी आ गई है, जाओ। परम धाम से आत्माएं स्वयं इच्छा से इस पृथ्वी पर पार्ट बजाने के लिए आती है। ठीक है, तो वहां शांति है, सुख है, पवित्रता है। वहां कोई बात नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई भी शरीर नहीं। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना। तो परम धाम में आत्माएं एक दूसरे को कैसे पहचानेंगी, इस बात को बहुत बहुत क्लियर समझना है। ये देह के झूठे संबंध हमारे इस पृथ्वी पर होते हैं। परमधाम में कोई संबंध नहीं,
ये जो संबंध है ये सारे के सारे इसी पृथ्वी पर होते हैं और ये टेम्परेरी है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर लिया, संबंध बदल जाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वहां कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। और परमधाम में आत्मा सारी की सारी एक साथ जाती है, अलग अलग नहीं। आति भल परम धाम से अलग अलग हैं, परंतु जाति सब एक साथ है। सारे संसार की आत्माएं एक साथ जाती हैं, अलग अलग नहीं जाती। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। आते अलग अलग है। जो सबसे पवित्र 100% प्योर होते हैं वो सबसे ऊपर, वो पहले पहले इस धरती पर सतयुग में आते हैं, फिर उसके बाद वाली आत्माएं त्रेता में आती हैं, और यहां से द्वापर वाली आत्माएं आती हैं, और ये लास्ट में कलयुग वाली आत्माएं आती। जब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं तो परमात्मा सबको घर ले जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।